नमस्कार दोस्तों, एस एल गुरु जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय, कितना पवित्र मंत्र है ये। इसे बोलते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में शांति मिलती है और मन को एकाग्रता मिलके एक पवित्र मन स्थापित हो जाता है और सीधे ओम नमः शिवाय का शिवाय का नाम लेते ही भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इसी तरीके से आज मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, सावन मास का महीना शुरू हो सकता है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे महत्व रखने वाला जो महीना माना जाता है, वह श्रावण मास का महीना माना जाता है। और जितने भी दुनिया में शिव भक्त है, उनके लिए इस महीने का, इस पावन अवसर का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। और इस समय में भगवान को, शिव को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। और इसी महीने के अंदर भगवान शिव भी अपने भक्तों की हर एक बात, हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। वह उनकी मनोकामना के लिए पूर्ण रूप से उनकी हर एक अर्जी उन तक पहुंचती है और वे सुनते हैं और उन पे कृपा बनाते हैं। और ये वास्तव में मानने वाली बात है कि असीम कृपा भगवान शिव श्रावण मास में अपने शिव भक्तों पर जरूर बनाते हैं। तो इस दौरान अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो और भगवान शिव आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे और आपको एक अच्छे जीवन संगनी या जीवन साथी प्राप्त हो, तो आप इस प्रयोग को करें। श्रावण मास के दूसरे या तीसरे सोमवार आपको इस प्रयोग को करना है। तो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आपको मैं आज बहुत ही सिंपल और एक प्रयोग दिखाने जा रहा हूँ। आप श्रावण मास के दूसरे या तीसरे या चौथे भी आप सोमवार आप व्रत रखें, भगवान शिव का सोमवार के दिन व्रत रखें। आप थोड़ी सी हरी घास ले आए, जिसे दूब कहते हैं, और बेल पत्र लाना, कहीं से कटा फटा ना हो, ताजा बेल पत्र लेकर आना है। उसी दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनकर और शुद्ध मन से आप इस पे लिखें शिव शिव नमः, शिव शिव नमः, शिव शिव नमः, शिव शिव नमः। इस तरीके से आपको लिखना है और लिख देने के बाद आपको इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्दी डालनी है और उसके बाद इस पत्ते की दूसरी तरफ पहले इसको सिद्ध कर लेना है। और सिद्ध करने के बाद आपको इसके पीछे अपनी इच्छा लिखनी है या अपने जीवन साथी का नाम लिखना है। और साथी का नाम नहीं पता तो आपकी जो भी संपूर्ण इच्छा है, भगवान शिव से आप चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द श्रावण मास के महीने में आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, तो आपको एक मंत्र का 501 बार जाप करना है, जो कि इसका बेलपत्र का सिद्धिकरण मंत्र है। मंत्र है ओम शय शिवे महाशिव मम शिवे दर्शन देहि देहि ओम नमः। मंत्र में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर शो हो रहा है। ओम शय शिवे महाशिवे मम शिवे दर्शन देहि देहि ओम नमः। इस मंत्र का आपको 501 बार जाप करना है और जाप करने के बाद आपको क्या करना है, इस संपूर्ण सामग्री को पीछे इच्छा लिखकर भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते हुए उन्हें शुद्ध जल अर्पित करें और कच्चा दूध उनको अर्पित करें। आपकी हर मनोइच्छा भगवान शिव संपूर्ण रूप से पूरी करेंगे। सच्चे दिल से और सच्चे मन से किया गया कार्य भगवान शिव तक पहुंचेगा और वह आप पर असीम कृपा अपनी बनाकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप बेझिझक होकर मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया है। इसी साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।